12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड. इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहाँ पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है गया कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है. आर FSL टीम इज ऑन द स्पॉट, असी उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं. एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास पिक्चर क्लियरली इमर्ज होगी, आई विल एंगेज विद यू और आपको ब्रीफ करेंगे. हमारे को रात को 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड. इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहाँ पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है गया कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है. आर FSL टीम इज ऑन द स्पॉट, असी उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं. एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास पिक्चर क्लियरली इमर्ज होगी, आई विल एंगेज विद यू और आपको ब्रीफ करेंगे. हमारे को रात को 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड. इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहाँ पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है गया कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है. आर FSL टीम इज ऑन द स्पॉट, असी उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं. एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास पिक्चर क्लियरली इमर्ज होगी, आई विल एंगेज विद यू और आपको ब्रीफ करेंगे. हमारे को रात को 12 बजे पुलिस कमिश्नर अमृतसर दे नौ निहाल सिंह, उन्हां दा कहना है कि रात वाले उन्हां नूं खबर मिली सी कि कोई साउंड सुनाई दिती है, बेहद ही धमाकेदार साउंड सुनाई दिती. हालांकि मौके ते पहुंचे उन्होंने कहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है. मौके ते FSL दी टीम भी उत्थे पहुंची, ते हाले कन्फर्म नहीं किया गया है कि आ ब्लास्ट है कि होर कोई घटना घटी है. ते मौके ते रात नूं जदों आ ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी सी, उन्होंने कहा सीगा कि उत्थे मौके ते टीम पहुंची, ते FSL दी टीम भी उत्थे मौके ते पहुंची, ते शंका जताया जा रहा है कि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है. हालांकि आधिकारिक पुष्टि यदि नहीं की गई. तो जो पुलिस कमिश्नर नौ निहाल सिंह अमृतसर के मौके पर पहुंचे थे, तो उन्होंने इस बारे जानकारी दी. दस दिए कि अमृतसर एक होर धमाका होया है 6 दिनों के अंदर, हरिमंदर साहिब नेड़े तीजा धमाका है. मौके दी तुहानू तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि रात तकरीबन 12 बजे आ धमाके की आवाज़ सुनाई दी है. लो इंटेंसिटी का धमाका दसिया जा रहा, हालांकि यदि अधिकारिक पुष्टि हले नहीं की गई. दस दिए कि नेड़े तेड़े इलाके धमाके की जोरदार आवाज़ सुनाई दी सी, जिस तरह कि पुलिस कमिश्नर नौ निहाल सिंह दस रहे थे. उन्होंने कहा कि मौके पर FSL की टीम पहुँच गई सी, तो जाँच पड़ताल इस पूरे मामले की की जा रही है. गुरु रामदास सरा एहतियातन खाली करवाया गया सीगा. तो दस दिए कि धमाके नाल कोई नुकसान नहीं होया, मामले की पूरी जाँच की जा रही है.